एक नया इतिहास आज यहाँ प्रारंभ हो रहा है, बहनों के संगठित होने का इतिहास। और आज की तारीख गवाह होगी कि हम बहनों की जिंदगी बदलेंगे। आज सब बहनों के खाते में लाडली बहना की दूसरी किस्त आ गई। और एक बात और सुनना, 21 से लेकर 23 साल की बेटियां भी जो विवाहित है अब इस योजना में शामिल है। 25 तारीख से उनके आवेदन भरे जाएंगे, 25 जुलाई से। और वो किसान जिनके पास ट्रैक्टर से योजना से बाहर थे, लेकिन ऐसे 5 एकड़ तक के किसान के परिवार भी योजना के पात्र हो गए, 25 तारीख से उनके आवेदन भी भरे जाएंगे। और अगले महीने फिर खाते में पैसा आएगा, तब तक अपनी मीटिंग लाडली बहना सेना की और होगी। और कई तरह की योजना हम खुद क्रियान्वित करेंगे, सरकार और प्रशासन आपकी पूरी मदद करेगा। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना को अब हुई है विस्तार, बड़ो ऐलान कर दो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। अब मध्य प्रदेश में 21 से 23 साल की महिलाओं को भी लाभ मिल पे है लाडली बहना योजना को, जो विवाहित हैं और इनके संगे जिन परिवारों में ट्रैक्टर है वे भी पात्र मान लीजिए हैं लाडली बहना योजना के लाने। आज प्रदेश में लाडली बहना योजना की दूसरी किस्त जारी भई और इस मौके पे मुख्यमंत्री ने जो बड़ो ऐलान करे। मेरी बहनों, ये 10 तारीख का दिन अब अमर हो गया है मध्य प्रदेश के इतिहास में। 10 तारीख यानी बहनों के सम्मान का दिन है, 10 तारीख यानी बहनों के आत्म सम्मान का दिन है, 10 तारीख यानी बहनों की शान का दिन है, 10 तारीख यानी बहनों के स्वावलंबन का दिन है, 10 तारीख यानी सामाजिक जागरूकता की क्रांति का दिन है, 10 तारीख यानी एक नई दुनिया बनाने की शुरुआत का दिन है, नया जमाना लाने की शुरुआत का दिन है। मैं आज अपनी बहनों से कह रहा हूं, इतने साल आजादी के हो गए, बहनों की चिंता क्यों नहीं की गई? 50 साल तक जिस कांग्रेस ने सरकारें चलाई, क्या उसने कभी बहनों को इज्जत देने का काम किया? क्या बहनों का सम्मान बढ़ाने का काम किया? क्या बहनों की आंखों से आंसू पोंछने का काम किया? जिन्होंने कभी बहनों के लिए कुछ नहीं किया, अब वो घड़ियालू आंखों बहा रहे हैं। हर 10 तारीख को बहनों के खाते में अभी तो 1,000 रुपया डलेगा, लेकिन ये 1,000 तक सीमित नहीं रहेगा। पैसे की व्यवस्था कर रहा हूं और आगे जैसे मैंने पहले बताया था कि इसको बढ़ाते बढ़ाते पहले 1,250 करूंगा, फिर 1,500 करूंगा, फिर 1,750 करूंगा, फिर 2,000 करूंगा, फिर 2,250 करूंगा, फिर 2,500 करूंगा, फिर 2,750 करूंगा और अंततः 3,000 रुपया महीना करूंगा। लेकिन मेरी बहनों, ये केवल पैसा नहीं है, ये तुम्हारा सम्मान है, ये तुम्हारा आत्मविश्वास है। देखो मेरी बहनों, एक बात और सुन लो, अपने बेटा बेटी बेटा भी शामिल है, क्योंकि वो भी मेरे भांजे हैं, उनसे भी भेद थोड़ी करूंगा, बेटियों की रक्षा करूंगा लेकिन बेटों को भी नहीं छोड़ूंगा। अगर ये पढ़ने में तेज है तो सुनो, अब फिर से योजना शुरू कर दी, 70% से ज्यादा वालों को सबको लैपटॉप बांट रहा हूं। 26 जुलाई के दिन सब बच्चों को लैपटॉप दूंगा जिनके 70% से ज्यादा नंबर आए। और एक बात और सुन लो, अब 21 साल की जो हमारी बेटी जिसका विवाह हो गया, 21-22 साल की बेटी को भी ये पैसा दिया जाएगा। ट्रैक्टर वाले कोई रह गए हैं उनको भी दिया जाएगा। उसके लिए 25 जुलाई से फिर से आवेदन लिए जाएंगे, 25 जुलाई से, वैसे ही जैसे पहले आवेदन लिए गए थे फिर आवेदन लिए जाएंगे ताकि उनको भी पैसा मिल सके। मैं शपथ लेती हूँ कि लाडली बहना
सेना के सदस्य के रूप में अपने क्षेत्र की बहनों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी देने और जागरूकता बढ़ाने का काम करूंगी मैं अपने क्षेत्र की बहनों को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक मिले इस काम में हर संभव सहयोग करूंगी मैं बहनों की अपने परिवार के सदस्य की तरह चिंता करूंगी और उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने में पूरी मदद करूंगी मैं नशा मुक्ति पेड़ लगाने बिजली बचाने साफ सफाई बेटी बचाने बेटी पढ़ाने और पानी बचाने जैसे सामाजिक सुधार के अभियानों में बढ़ चढ़कर भाग लूंगी बोलिए भारत माता की। दरअसल लाड़ी बहना योजना में अब तक 23 साल या उससे ऊपर की महिलाएं शामिल होती, लेकिन अब उम्र की सीमा भी घटा दी गई है और पात्रता में भी कछु छूट दे दी गई है। एकलव्य यूनिवर्सिटी दमोह विल गाइड यू टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर। 28 एकर्स ऑफ लस ग्रीन कैंपस, लार्जेस्ट कैंपस ऑफ बुंदेलखंड, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड फैकल्टी, 50 फ्यूचर रेडी कोर्सेज taught in 12 डिफरेंट स्कूल, सेपरेट कोर्स एंड ग्राउंड फॉर स्पोर्ट, फुली इक्विप्ड लैब एंड वर्कशॉप, सेफ एंड फुली इक्विप्ड सेपरेट हॉस्टल फॉर गर्ल्स।